नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कश्मीरी लड़कियों के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विवादित टिप्पणी की निंदा की है। मायावती ने शनिवार को कहा, भाजपा नेतृत्व में सीएम खट्टर के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा के सीएम धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीरी बहन बेटियों के बारे में जो ओछी मानसिकता वाली अभद्रता कर रहे हैं उसकी बीएसपी कड़े शब्दों में निंदा व तीव्र भर्त्सना करती है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में महिला विरोधी इन हरकतों का संज्ञान लेकर तत्काल सख्त कार्रवाई करे। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की बल्कि थाने से भगा दिया। दरअसल यह पूरा मामला चांदपुर थाना क्षेत्र के बास्टा का है, जहां एक पिता ने बताया कि एक अज्ञात शख्स ने नशे की गोली देकर बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह की बच्ची अपने आप को बचाकर भाग आई। परिजन आरोप है कि जब इसकी शिकायत लेकर वह थे तो चांदपुर थाने में तैनात है एसएसआई नरेंद्र सिंह ने उसके साथ बदसलूकी की और उसको बेइज्जत कर वहां से भगा दिया। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की ओर से आने वाले वाहनों की भी सघन चेकिंग के आदेश दिए गए। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह तैनात किया गया है। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि फ्लाइट के शेड्यूल टाइम से पहले घर से निकले, क्योंकि जांच के लिए ज्यादा समय लग सकता है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर ट्रक और मैजिक की जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शौच को गई महिला की ट्रक के नीचे दबकर मौके पर मैजिक सवार मालिक की भी मौत हो गई है। वहीं मैजिक का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। मृतक मिर्जापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह हादसा प्रतापगढ़ कोतवाली के घाटमपुर की घटना है। संभल में कारोबारी से लूट के मामले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां एसओ समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि तीन सिपाहियों द्वारा कारोबारी से 71,000 रुपए लूट लिए गए थे, जिसको लेकर जीआरपी एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलीगढ़ में बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने आरोप लगाया है कि कुछ बदमाशों ने उनके पति के साथ मारपीट की है। फरहीन मोहसिन नाम की एक महिला का कहना है कि वो अपने इलाके में बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ी हुई है। इसी बात से नाराज होकर कुछ बदमाशों ने अलीगढ़ के दिल्ली गेट में उसके पति के साथ मारपीट की है। पीड़िता का कहना है कि उसे बीजेपी के सदस्यता अभियान से हटने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कहा है कि इस काम से दूर हो जाओ, इसी वजह से मेरे पति पर हमला किया गया है। योगी सरकार महिला सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर है, फिर भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर महिलाओं की असीमता से सरेआम खिलवाड़ करने का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो अंबेडकर नगर का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ मंचरे एक युवती के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि वीडियो अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। वीडियो में एक मंचरे का चेहरा साफ आया है, बाकी कुछ लोगों की आवाज से ही लग रहा है कि तीन चार लोग हैं और युवती से बात करते करते युवक गलत नियत से लड़की के साथ अभद्रता कर रहे हैं। लड़की गिड़गिड़ाती रही लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मुस्लिम बहुमूल्य इलाके डिंगरपुर में पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल द्वारा मीडिया से बात करते हुए मौजूदा राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए एक शेर से शुरुआत करते हुए कहा कि वजूद पर हिंदुस्तान को नाज है, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम है हिंद, और आगे बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान की पूरी कौम इस मुद्दे की तरफ देख रही है। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करता है, बाबर हमारी आस्था का केंद्र नहीं और हिंदू भाई भगवान राम में आस्था रखते हैं। हिंदुस्तान के बड़े भाई हिंदू हैं, उनका मत है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है। हम बाबर नहीं, भगवान राम चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। भारत नेपाल सीमा स्थित
रुपई डीहा कस्बे में भारत से नेपाल पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर की चपेट में आकर स्कूटी सवार दो महिलाओं की मौत हो गई है। मृतक में एक महिला की पूर्व एसपी की पत्नी शामिल है। हादसा कस्टम कार्यालय के सामने लगने वाले जाम के कारण होना बताया जा रहा है। नेपाल पुलिस के माध्यम से मृतक के परिवार जन को सूचना दी गई है। टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निजी अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से मासूम की मौत हो गई। युवती की मौत के बाद दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किए जाने को लेकर अस्पताल में हंगामा किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि हजारों रुपए परिजनों से लेने के बाद भी डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से आज बच्ची की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची सारनाथ थाना क्षेत्र की पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर परिजनों को शांत करवाया और आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। फरुखाबाद में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दो मकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। तीन घंटे बाद पहुंची पुलिस के खिलाफ भी ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है, तो घरों की लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर लौटने के बाद एक पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है, वहीं दूसरा परिवार दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में अब टेली मेडिसिन की सुविधा शुरू होने जाएगी। डॉक्टर की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार नई पहल करने जा रही। उड़ीसा और झारखंड की तर्ज पर अब प्रदेश में भी मशीनों की सहायता से मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी है। बरेली पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में टेली मेडिसिन सुविधा लागू करने के लिए केंद्र सरकार से 500 मशीनों की डिमांड की गई है। जल्द ये मशीन मिल जाएंगी, जिसके बाद ये सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सुविधा से दूर दराज के क्षेत्रों के मरीजों को लाभ मिलेगा। इसमें मौके पर टेक्नीशियन होगा जो 16 मिनट के अंदर मरीज की सारी जांच करेगा। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने मंडलीय समीक्षा से पहले निर्माणाधीन 300 बेड के हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। हाथरस में केंद्रीय गृह मंत्रालय निदेशक योगेश मोहन दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर जल शक्ति के तहत जल संरक्षण अभियान की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए ये सभी से सहयोग मांगा है। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए देश के 256 जिलों के से अधिक प्रभावित 1592 खंडों पर जोर दिया जाएगा। ये अभियान दो चरणों में चलेगा, 1 जुलाई से 15 सितम्बर तक पहला चरण चलेगा, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दूसरा चरण चलेगा। अभियान का फोकस पानी के दबाव वाले जिलों और ब्लॉकों पर होगा। उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है जहां शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन परसपुर के महाकवि तुलसीदास विद्यालय के प्रांगण में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भाग लिया। प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सर्टिफिकेट के साथ पौधे देकर सम्मानित किया गया। कानपुर के नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में धारा 370 हटाए जाने पर सरकार को बधाइयां देने उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक कटारिया मौजूद रहे। इस दौरान अशोक कटारिया ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से निश्चित ही जम्मू कश्मीर की उन्नति होगी। और इसके अलावा अशोक कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद 72 साल बाद जम्मू कश्मीर आजाद हो पाया। मन को मस्त और तन को स्वस्थ रखने के लिए योग व्यायाम करना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों को भी इसकी जानकारी देने और जागरूक करने के लिए कानपुर के जीएसवीएम में एनर्जी मेडिसिन न्यू अप्रोच इन डायग्नोसिस एंड हियरिंग पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज में हुई इस व्याख्या कार्यक्रम में केजीएमयू के वीसी डॉक्टर एमएल भट्ट मुख्य अतिथि रहे। वर्कशॉप की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इसके बाद एनर्जी मेडिसिन एनालिस्ट एंड पैन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स डॉक्टर आर के दवे ने सभी को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए हैं। साथ ही उपकरणों के माध्यम से मरीजों को भी स्वस्थ रखने की जानकारी दी। श्रवस्ती में भाजपा ब्लॉक प्रमुख अनीता देवी के विरुद्ध क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
शनिवार को 10 अगस्त को सिरसवा ब्लॉक पर अविश्वास मत आना था, जिसके लिए सुबह से ही पुलिस फोर्स सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगा दी गई थी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिलाधिकारी ने 11 बजे तक अविश्वास का समय दिया गया था, जिसमें अविश्वास लाने वाले सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आना था, लेकिन समय देने तक क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं पहुंचे, जिससे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अनीता देवी को ही ब्लॉक प्रमुख गया। हालांकि यह चौंकाने वाली बात थी कि इससे पहले ही मिलकर मौजूदा ब्लॉक के खिलाफ अविश्वास जताते हुए शपथ पत्र दिया गया था। ऐसे में आज सदस्यों का ना पहुंचना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बच्चा चोरी के शक में निर्दोष लोगों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद में मंदबुद्धि बच्चे के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना न्यू आगरा में मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, ये बच्चा चोर की अफवाह अब पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी है। फतेहाबाद में दिमागी रूप से कमजोर एक युवक को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आगरा में न्यायालय में तारीख पर आई बीवी को दीवानी परिसर के गेट पर ही शौहर ने 3 तलाक बोल दिया। आरोप है कि शौहर ने अपनी बीवी और ससुर को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने न्यू आगरा थाने में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। शाहगंज के चिल्लीपाड़ा निवासी नगमा बानू ने बताया कि उनका निकाह नवंबर 2014 में आफाक कुरैशी के नाम से हुआ था। मंटोला के डोलीखार निवासी आफाक की राजपुर चुंगी पर जूते चप्पल की दुकान है। पीड़िता के परिजनों ने मुताबिक उन्होंने निकाह में आफाक को कार और बाइक के अलावा लाखों रुपए के जेवरात दिए थे। इसी पर लालच आ गया और बीवी से 5 लाख रुपए की उन्होंने मांग करी। हाथरस में फिर एक बार बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां मुरसान कोतवाली के सूसावली गांव में 2 मासूम हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, वही दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गलत तार डालने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया है। वही SP ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश मैनपुरी जनपद में शनिवार को दिन दहाड़े बालिका को अगवा करने की कोशिश की गई। स्कूल जा रही कक्षा 4 की छात्रा को बाइक सवारों ने उठा लिया। बालिका ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने दोनों शोधों को धर दबोचा। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों शोधों को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों को जान बचाई। घटना वो गांव की है, जहां शनिवार को बाइक सवार युवक ने 12 साल की छात्रा को अगवा करने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को जमकर पीटा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मैनपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें पहला आरोपी जुबैर और दूसरा अफसर बताया जा रहा है। आगरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मंटोला थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में फायरिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी जमीन विवाद के दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग गए थे, जिसमें 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। SP City ने बताया कि दोनों आरोपी कई दिनों से फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही वारदात में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है।